गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज प्रश्नावली 5.3 का एग्जाम्पल क्वेश्चन 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा प्रथम पद 10, तो 20वां पद ज्ञात करना है। तो SN फार्मूला यह लिख दिया गया है, इस फार्मूला का यूज होने वाला है। SN बराबर क्या होता है, N बाई 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों का तो इस चैप्टर पर बेसिक कंसेप्ट बना हुआ है। अगर पिछले वाले वीडियो को देखते हैं तो बिल्कुल आसान लगेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि किसी AP के प्रथम 14 पद जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ये आसान तरीका से उसको पहले लिख दीजिए। किसी एपी के प्रथम 14 पद यानी प्रथम 14 पद का योग दे दिया है, तो SN, योग मतलब SN, तो क्या होगा, S14 बराबर आपको दे दिया गया 1050। और प्रथम 14 पद यानी 14 वो पद है, यानी N बराबर आपका हो गया 14, ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट। तथा प्रथम पद जिसमें से प्रथम पद आपका 10 है, तो 20वां पद क्या होगा, यानी 820 आपको निकालना है। और फॉर्मूला आपको तक मिल रहा है, फॉर्मूला SN फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे, सूत्र से क्या होगा, SN बराबर फॉर्मूला है, क्या लिख देते हैं, N बाई टू इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए SN के जगह पर रखेंगे 14, क्योंकि 14 पदों का योग दिया हुआ है। यहाँ पर N के जगह पर फिर लिखेंगे 14 बट्टा में 2 लिखेंगे, यहाँ तक स्पष्ट। फिर देखिए यहाँ 2 इंटू ए का मान को देखिए, ए का मान आपको 10 है, 10 दे दिए, प्लस n कितना हो जाएगा, n 14 घटा 1 इंटू डी हमको दिया हुआ नहीं है, वैसे ही डी लिख देंगे, यहाँ तक स्पष्ट है। अब मान को रखना है, SN कितना दिया हुआ है, SN 1050 लिख दिए, इसको हम काट लेंगे 2 से, 2 सत्ते 14, 7 से कटा तो कितना आ गया, 7 आ गया, यहाँ लिख लिए, और 10 दूना 20 हो गया, तो 20 लिख लिए, प्लस और 13 में से 14 में से 1 जाएगा तो 13 हो गया, और D है तो यहाँ पर हो गया 13D, यहाँ तक स्पष्ट है, देख लीजिए। फिर एक लाइन और आ सकता है, 1050 बराबर, इसको गुना कर लेते हैं क्योंकि 7 दोनों में गुना करेगा, तो 140, 7 में 20 से गुना करेंगे तो 140, अब प्लस 13 में 7 से, तो 91D, यहाँ तक एक बार देखिए। अब हम यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से स्पेस है तो स्पेस का उपयोग में ले आते हैं। देखिए ये है क्या, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1050 तो है बराबर कि इधर, इसको इधर लाना है तो माइनस का हो जाएगा कितना, 140 और बराबर का बचा आपको कितना, बराबर का बचा 91D बच गया इधर से, ठीक है ना, यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना, घटा के कितना आएगा, घटा के आपको आ जाएगा, देखिए 0 में से 0 जाएगा, ठीक है ना, 9 कितना घट के आएगा, देखिए कितना घट के आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, इतना आएगा 910 आएगा, ठीक है, यहाँ तक देखिए एक बार। अब क्या हो जाएगा, 910 बराबर कितना हो गया, 91D, यहाँ तक एक बार देख लीजिए।
देख लीजिए एक बार गौर से। अब इसीलिए डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा 910, आइए गुना करता तो भाग देगा यहाँ, यानी इक्यानवे में 10 से गुना करेंगे तो कट जाएगा 910, यानी डी बराबर आपका निकल गया कितना 10। डी बराबर निकल गया कितना निकल गया, यहाँ पर लिख देते हैं बराबर 10 निकल गया डी। यहाँ तक स्पष्ट है। अब हमको निकालना क्या है, ए 20 मान एन बराबर ए ट्वेंटी निकालना है, ए ट्वेंटी निकालना है बराबर, फॉर्मूला होता है ए ट्वेंटी के लिए, क्या करेंगे ए प्लस कितना 20 है तो क्या हो जाएगा 19 डी हो जाएगा। ए ट्वेंटी बराबर क्या होगा, ए प्लस 19 डी, कैसे होगा एनवा फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे एनवा पद ये फॉर्मूला होता है ए एन बराबर, देख समझाने के लिए लिख देते हैं ए एन बराबर क्या क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए 20 निकालना है तो ए लिखाएगा और ये एन के जगह पर 20 घटा वन इंटू डी, तो वही क्या हो गया 20 में से एक घटाएंगे तो 19 डी हो गया, ए प्लस 19 डी हो गया। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। ये वैसे आप लोग पिछले एक्सरसाइज में बनाए होंगे तो बेसिक कंसेप्ट तो होगा ही होगा, तो डायरेक्ट निकाल दिए हैं ए 20 बराबर हो जाएगा ए का मान, आप देखिए ए का मान आपका है 10 तो 10 लिख दिए और जोड़ 19 और गुना डी का मान निकालने हैं 10 तो कितना आ गया 10 और जोड़ 19 दही 190 कितना हो जाएगा 190 बराबर का आपका हो जाएगा 200। ये आपका 20वां पद हो गया 200, कितना हो गया 200, यही आपका फाइनल आंसर है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।